Radio Fly. आता हूँ मैं। कहाँ चला? सुसु। रुक, मैं भी चलता हूँ। नेहा को देखा? कितनी पतली हो गई है यार। हाँ, मोनिका का उल्टा ही केस है। अबे हाँ, उसको क्या हुआ? आइटम होती थी, अब तो पूरी आंटी। ओए ओए, स्टाफ रूम खुला है। तूने स्टाफ का बाथरूम यूज करना है? ऑब्वियसली। बाथरूम्स के साथ तेरा अजीब ही फैसिनेशन है। तुझे वो एड याद है टीवी पे आती थी, हर घर कुछ कहता है? हाँ। वो गलत है, एक्चुअली हर बाथरूम कुछ कहता है। चल यार, देख ले स्टाफ का बाथरूम कैसा होता है। वैसे मैंने यूज किया हुआ है। क्या, कब? याद है सेकंड ईयर में मेरी बैक आई थी। हाँ, तू फेल हो गया था किसी पेपर में। उसका ऑफिशियल रीजन तूने दिया था कि पेपर के बीच में तू सो गया था। हाँ हाँ, इसमें ऑफिशियल अनऑफिशियल कुछ नहीं है। पेपर वाली सुबह में 5 बजे तो हॉस्टल ही आया था, एग्जाम के बीच में सो गया था। वो जो हम गर्ल्स कॉलेज गए थे उस फेस्ट में, मुझे याद है मैं और सैंडी 11 बजे तो वहां से निकले थे, और साला 1 बजे तक तो ऑटो ढूंढते रहे थे, फिर एक ट्रक से लिफ्ट लेकर हॉस्टल वापस आए थे। नताशा की परफॉर्मेंस थी, याद है उसका एक घटिया सा बैंड था, डीमोनिक एंजल्स। इतना गार्बेज परफॉर्म करते थे यार। सबसे बकवास तो ड्रमर थी, एक ही बीट आती थी उसे। नताशा लेकिन ठीक ठाक गिटार बजा लेती थी। साले वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, इसीलिए बोल रहा है। मतलब बैंड के बाकी मेंबर से थोड़ी बेटर थी। अंधों में काणी रानी, ये तो बढ़िया यार, मार्बल फ्लोरिंग। और देख ये जो विंडो है वहां से देख रहा है। हैंड ड्रायर भी है, देख। अच्छा बस भी कर, जब मेरी बैग आई थी तो मुझे 1-on-1 कोचिंग लेनी पड़ी थी मिसेज वाडेकर से, इसी स्टाफ रूम में। तब मुझे वो यूज करने देती थी यही बाथरूम। वाडेकर अच्छी टीचर थी। हाँ, और वो बड़ी सरप्राइज होती थी कि मैं फेल हो गया था। क्योंकि जब वो मुझे कोई मॉक टेस्ट देती थी, मेरे सारे आंसर्स ठीक होते थे, सब्जेक्ट में तो मैं स्ट्रांग था ही। तो उसको बताना था ना कि एग्जाम से पहली वाली रात तू अपनी गर्लफ्रेंड और उसके दोस्तों को चीयर कर रहा था जब वो गन्स एंड रोजेस के क्लासिक्स का मर्डर कर रही थी। नताशा की एक बात अच्छी थी यार, अगर वो मुझे एनकरेज ना करती तो मैं सिंगिंग कभी भी सीरियसली नहीं लेता। अभी भी कौन सा सीरियसली लेता है तू? साले यूट्यूब पे 19,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। अबे मेरा मतलब है तू इतना अच्छा सिंगर है, एक बढ़िया मैनेजर हायर कर। छोड़ यार काम की बातें। अच्छा सुन, मेरा वापस नेहरू हॉल में जाने का मन नहीं है। मैं जानता हूँ ये साले मुझे स्टेज पे बुला के माइक पकड़ा देंगे और बोल देंगे गा बेटा गा। हाँ पॉसिबल है। तुझे कुछ सुनाई दिया ये जो म्यूजिक? नहीं यार एक सेकेंड, कबीर कबीर इधर इधर, ये क्या हो रहा है? सबने एक एक ड्रिंक पकड़ी हुई है यार। वे मुंडी पीछे कर, कोई देख लेगा। इनकी अपनी पार्टी चल रही है, ये क्या चक्कर है? देख देख डिसिल्वा सर भी है। ओ साला मोंटू और उसका भाई। छोड़ यार। अबे रुक, देख ओपन बार, नॉन वेज स्नैक्स, हमें साला पनीर पकौड़ा और लिमका, और इधर फिश टिक्का और हैनिकन। छोड़ ना यार चल। वो देख वेटर पीछे से बाहर आया। चल 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 चल, चल पीछे पीछे। क्या कर रहा है यार कबीर? अबे डरता क्यों है, 10 साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं, तुझे अब इस कॉलेज से कोई सस्पेंड नहीं कर सकता। आना राघव भाई, ये पार्टी इंटरेस्टिंग बनाता हूँ तेरे लिए, मेरी जान आजा। कम टॉमी, कम 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 कम। यहाँ बस बस ठीक है, और दो कुर्सियाँ ले आओ। नहीं नहीं ऐसा करो, ये टेबल फोल्ड हो जाती है, हाँ तो बस लिटा दो इसे, घास पर रख दो। बस 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 बढ़िया, चलो 5 मिनट में वापस आना। हाँ चीयर्स। चीयर्स। क्या बोला तूने इस लड़के को? कुछ नहीं, बस 300 रुपये पकड़ाए और बोला 200 बाद में दूंगा। शुरू करना यार, देख चिकन टिक्का फिश टिक्का तंदूरी सब है, सालों ने रीयूनियन पर बुलाया और ठीक से खातिरदारी भी नहीं कर रहे। कोई नहीं, हम खुद कर लेंगे।
बड़े लीचड़ है यार। अबे मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। मोंटू पता है ना तुझे, उसका भाई याद है प्रोफेसर? हाँ हाँ हाँ। वो 2 साल पहले डीन बन गया था ना स्टूडेंट अफेयर्स का, तो रीयूनियन का इंचार्ज भी वही होगा। मोंटू ने बोला होगा दारू रखो साला शराबी, लेकिन उसका भाई बोला होगा नहीं 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 अल्कोहल सर्व नहीं कर सकते, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ब्ला ब्ला ब्ला। तो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करके प्लान बनाया होगा कि अपनी अलग से पार्टी करेंगे। तेरी बात होती है मोंटू से? नहीं यार, उसका अलग ही ग्रुप होता था, वही तो थे सारे अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में मोंटू के ग्रुप वाले। पॉलिटिक्स तो इस कॉलेज में मैं पहले दिन से ही देखता हुआ आ रहा हूँ। लेना यार, ले ले चटनी ले, देख 500 की रिश्वत दी है, पूरा फायदा उठाना है। सैंडी का मैसेज है, डूड वेयर आर यू? सैंडी आया? हाँ, तू नहीं मिला? यूएसए आ गया? हाँ, उसके कजन की शादीशुदी भी है दिल्ली में। अकेला आया है? हाँ, बीवी बच्चे सब यूएस। बुलाऊं उसे? बोर हो रहा होगा अंदर। राघव बुलाऊं? बियर से स्ट्रांग है क्या कुछ? अभी वो लड़का आता है तो पूछता हूँ। हैव यू लेफ्ट? नो, आई एम स्टिल इनसाइड द कैंपस। मेरी यार बात नहीं हुई इससे काफी टाइम से। अभी भी तुम्हारा ऑकवर्ड चल रहा है क्या? पता तो है तुझे सब। पुरानी बात हो गई यार, छोड़ ना, आगे बढ़। बेस्ट फ्रेंड है यार तेरा। अभी क्या पॉइंट है ये सब का यार? क्या मतलब... लाया बेटा, गरम है ना? शाबाश, नींबू लाया है? वेरी गुड यार। विस्की है क्या अंदर? है, 2 बियर लिया और 1 विस्की। ऑन द रॉक्स, ऑन द रॉक्स समझता है ना? ठीक है कबीर। हाँ बस बियर ठीक है, जा बेटा शाबाश। क्यों जान खा रहा है ये तेरी? यार वो बेचारा 12,000 किलोमीटर ट्रेवल करके आया है, बोर हो रहा है अंदर। बेचारा? ठीक है यार, पास्ट को तो कोई नहीं बदल सकता ना। मूड खराब मत कर, ले फोन साइलेंट कर दिया बस। बेस्ट फ्रेंड तेरा होगा बेस्ट फ्रेंड? अबे मैं तो तुम दोनों को जानता भी नहीं था सेकंड ईयर तक। टाइम बताइयो। 11:15, सुबह जल्दी उठना है क्या? कल अंधेरी में परफॉर्मेंस है, उसके लिए सुबह थोड़ा रिहर्स करना है। हार्ड रॉक कैफे? आएगा। भाई तू क्या ये छोटे मोटे वेन्यू में लगा रहता है? मेरी बात मान, कुछ बड़ा सोच। मेरे ऑफिस में एक बंदी है, उसका भाई दिलेर मेहंदी के टूर मैनेजर को जानता है, उसे। अबे आएगा कि नहीं ये बता। देर तक चलेगा क्या? मंडे वर्किंग है। देखता हूँ, पेट गिग है। हाँ थैंक यू यार। रख दे रख दे, जा बेटा थोड़ी देर में आना। खाली खाली मत पी, कुछ खाता भी रह। ये ले। क्या पे कर रहे हैं? क्या करना है तूने बताना? 75,000? अबे 100,000। वापस कब जा रहा है? ट्यूसडे। रेंट दे दिया इस महीने का? आधा दे दिया है, बाकी देख लूंगा। कैश वैश चाहिए तो बता दियो यार, शर्माइयो मत। हाँ हाँ ठीक है। तेरा रूममेट वही है मोटू? अबे पतला हो गया अब तो, जब तू मिला था तब से 50 किलो घटा चुका है वो। डीजे है ना वो? अब साला पतला हो गया तो फ्रिज भी खाली रहती है। पहले फ्रिज में इतना माल ठूस के रखता था वो, जब मन किया खोली कुछ खा लिया, उसे पता भी नहीं चलता था। अब तो साला खाने पे भी पैसे खर्चने पड़ते हैं। और तेरा सब सही चल रहा है? हाँ, प्रमोशन मिलेगी अप्रैल में आई थिंक। यू थिंक? मतलब उम्मीद तो पूरी है। एक बात बता, तुझे कभी जेलस फील होता है सैंडी से? यूएस में रहता है, बढ़िया जॉब, बढ़िया सेटल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, मॉडर्न लाइफ, कोई टेंशन ही नहीं। हम साले यहीं पड़े रह गए। अरे कबीर, कोई आ रहा है यार, इधर ही आ रहा है। क्या करे क्या करे? अबे जो भी है मैं निपट लूंगा। सैंडी नहीं लग रहा है ये? कमीनी औरत, तूने उसे बता दिया हम यहाँ बैठे हैं? बात नहीं पचती ना तेरे पेट में? नहीं भाई, किसी को कुछ नहीं बोला। बड़ा पिकनिक शिकनिक मना रहे हो यार आधी रात को? तेरी वेट कर रहे थे। और राघव? संदीप आ बैठ। $1,500 का सूट है ये, पता है घास का रंग कभी नहीं जाता कपड़ों से।
हम तो फटीचर लोग हैं, सड़क पे जो पड़ा मिलता है पहन लेते हैं। शुरू हो गया। ये क्या है? टेबल है, उसके ऊपर साले प्लेट है, प्लेट के ऊपर चिकन है। क्या चाहता है? मतलब ये टेबल क्लॉथ निकल आता है? हाँ ठीक तो है, उठाइए ये प्लेट वगैरह, बिछाइयो यार थोड़ा इस साइड। अंकल सैम का पोता आया है, नौकरी में लग यार, क्या कर रहा है? बैठ जा अब, उसको क्या घूर रहा है, बैठना। अभी तुम दोनों शुरू मत हो ना, मैं बता रहा हूँ। क्या लेगा? नहीं यार कुछ नहीं, नॉनवेज छोड़ दिया। क्या तूने? अबे अमेरिका जाके तो लोग शुरू करते हैं, बीवी ने छुड़वाया क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुझे तो इतना बढ़िया बनाना भी आता है, बियर तो लेगा। थैंक्स, मुझे तो नहीं दिखी अंदर ड्रिंक्स। बस इंजॉय कर तू, क्या करेगा पूरी कहानी जान के? पूरा कैंपस घुमाया मैं, फिर मैंने सोचा माइकल के नीचे देखूं। फर्स्ट डे जब ओरिएंटेशन थी तो मैंने गेट पे पूछा कहाँ जाना है, एक सीनियर था, कहता है टर्न राइट फ्रॉम माइकल। मुझे समझ में ही नहीं आया, मैं जो बंदा मिले उससे पूछ रहा हूँ आर यू माइकल। अबे मुझे क्या पता माइकल पेड़ है, साला बोलो ना बरगद का पेड़ है। कबीर सॉक्स दिखाइयो सैंडी। ओ तेरी, हर्ष के कंसल्टिंग। अबे अरमानी का सूट, हैमिल्टन की वॉच, लेकिन फ्री की सॉक्स, रहेगा तो चिंदी। यूएस में सॉक्स बहुत महंगी आती है यार, हमने 500 पेयर बनवाए थे, उनमें से 300 तो मेरे पास ही पड़े हैं, ये क्वालिटी कहीं नहीं मिलती। प्रमोशन के लिए बनवाई थी साले, तेरे पर्सनल यूज के लिए नहीं। हाँ 50-100 तो बांट ही दी थी, फिर जब कंपनी बंद हुई तो मैंने। कंपनी बंद नहीं हुई थी, तू छोड़ के गया था। ना ना ना, अभी ये सब नहीं करना। वैसे मैं पब्लिकली डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि अगर मेरा नाम पहले रखते, मतलब KSR, क्या कह रहा था मैं? कितना लाइट वेट है यार तू, दो बियर में टल ली। नहीं नहीं मुझे चढ़ती नहीं। और तू साले, तेरी वजह से हमने कॉलेज प्लेसमेंट भी अटेंड नहीं करी, अपनी कंपनी बनाते हैं कुछ अलग करते हैं, और फिर थोड़ा सा पैसा दिखा तो तू फरार। ऐसे दोस्त से अच्छे तो दुश्मन होते हैं, एक बार डिस्कस तो कर लेता भूतनी के। याद है कबीर, इस साले ने ईमेल पर बताया था कि न्यू जर्सी जा रहा हूँ, जॉब मिली है न्यूयॉर्क। फक यू, मुंह पे बताता इंसान का बच्चा है तो, अबे फोन पे बता देता, लेकिन नहीं। डियर ऑल आई विश टू इन्फॉर्म यू, अबे तीन तो बंदे थे हम कंपनी में, डियर ऑल का लगता। सैंडी तुझे पता है राघव को पूरी ईमेल याद है, वर्ड बाय वर्ड। यार मैं निकलता हूँ। अबे ड्रामे, ड्रामा मत कर सैंडी। क्या चाहता है भाई मुझसे? आई अग्री, इट वॉज अ शिटी थिंग टू डू, इट वॉज अ शिटी थिंग टू डू। आ जा भाई, क्या लाया? इनसे मिला? ये सर अमेरिका से आए हैं। ओए 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 ओए, बस हो गया तेरा आज का कोटा पूरा। सैंडी इसके यहाँ से बॉटल ले ले बेटा, और मत लाना इसके लिए, ठीक है? मैं ठीक हूँ यार, छोड़ सैंडी, बड़ी बात मान रहा है तू आज उसकी। अबे छोड़। बेड़ा गर्क। रो मत, ड्राई क्लीन हो जाएगा। बेटा पेपर नैपकिन ले आ, जितने मिले उठा ले आ, जल्दी जल्दी भाग के जा। कैसे आया? कार में। तुम्हारे यहाँ रेंटल कार लेना कितना कॉम्प्लिकेटेड है यार, यूएस में बस क्रेडिट कार्ड दिखाओ और कार रेंट पे मिल जाती है। वाह बेटा, 8 साल हुए हैं तुझे गए हुए और बॉम्बे तुम्हारे यहाँ हो गया। अबे क्यों दोनों मिलके मेरी क्लास ले रहे हो? दिल्ली हो या? नहीं कल जाऊँगा। कितने बजे? कल राघव की परफॉर्मेंस है। कहाँ, किधर? मेरी फ्लाइट। तुझे इन्वाइट किसने किया है? राघव। सिर्फ 2 महीने और रुक जाता ना, अगर ये तेरे जाने के 2 महीने बाद गवर्नमेंट ने 16 पावर पॉलिसी अनाउंस कर दी थी कुत्ते, एग्जैक्टली 2 महीने बाद, किसी 16 एनर्जी कंसल्टेंसी के लिए इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। 85 कंपनी खुल गई उसके बाद हमारे जैसी, बस 2 महीने। किसी के बाप के पास इतना डेटा नहीं था जितना हमने इकट्ठा करके रखा था, 1.5 साल की सारी मेहनत कचरे में, क्योंकि तुझसे बड़ा सेल्फिश इंसान नहीं पैदा हुआ आज तक। तुम्हारी पिछली बार बात कब हुई थी? पता नहीं। 7th April 2010 मैंने इसको मैसेज किया था हैप्पी बर्थडे ब्रदर, और इसका रिप्लाई आया था गो टू हेल। आउच, ये लॉन बड़ा होता था। लॉन छोटा नहीं हुआ, हम बड़े हो गए। ज्यादा फिलॉसफी मत झाड़,
राघव ठीक बोल रहा है, ये वाला विंग नया बना है। अरे हाँ, यहाँ से अपना हॉस्टल दिखता था, अब नहीं दिख रहा। याद है मेरे और अमित के रूम में बैठकर हमने डिसाइड किया था कि हम अपनी कंपनी खोलेंगे, और राघव का सबसे पहला आइडिया था डबल टॉपिंग वाला पिज्जा। तेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि तूने पिज्जा ऑर्डर किया और चौथी पांचवी स्लाइस तक बोरिंग होने लगता है? इमेजिन कर, आधा पिज्जा एक फ्लेवर और आधा पिज्जा दूसरा फ्लेवर। अभी भी लगा है जस्टिफाई करने। अमित क्या कर रहा है यार? उसका प्लान तो शुरू से एक ही था, अमीर लड़की पटाके घर जमाई बनना। सीरियसली? हाँ हाँ, उसकी वाइफ के फादर की प्लास्टिक कंटेनर्स की फैक्ट्री है, अरबपति लोग हैं। डैम, मेरा रूममेट था, लेकिन जब तुम दोनों से मिला ना तो उससे बात बिल्कुल कम हो गई। यही तो बता रहा था मैं राघव को, सेकंड ईयर में मिला था मैं तुम दोनों से, याद है जो तुम दोनों अपने रूम में मूवी स्क्रीनिंग्स करते थे? हाँ, सैंडी मीडिया रूम से एक प्रोजेक्टर उठा लाया था। 10-15 प्रोजेक्टर होते थे अंदर, पड़े रहते थे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता था। ये सब सीसीटीवी कैमरा वगैरह तो बाद में लगे। मैंने सबसे पहले गॉडफादर तुम्हारे रूम में फर्श पर बैठकर देखी थी। 6 लोग, छोटा सा कमरा, कानों में सबने अपने अपने हेडफोन्स लगाए, दीवार पर वाइट बेडशीट टांगी और मूवी शुरू। गुड टाइम्स। हॉरर मूवी फेस्टिवल याद है? हाँ, उस रात हमने 4 मूवीज देखी थी बैक टू बैक, 4 या 5। सो नहीं पाया था मैं 3 दिन तक। आना है तो आ जाइयो कबीर के साथ, 8 बजे शाम को अंधेरी में। पक्का पक्का। अब हो गया सब क्लियर? मेन बात पे तो मैं आया ही नहीं अभी तक। राघव कम ऑन यार, इस जलील आदमी के लिए इनफ नहीं था कि हमारी कंपनी हमारा फ्यूचर बर्बाद करे, इसने सोचा जले पे नमक भी छिड़क दूं और थोड़ा स्वाद आ जाएगा। कबीर तू तो जानता है ना मैंने कुछ जानकर नहीं किया, बता ना यार इसको, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। कबीर खबरदार तूने इसकी वकालत की तो। सैंडी देख, कंपनी के हम तीनों फाउंडर थे, तूने अचानक से छोड़ दी बिना बताए, कोई बात नहीं, मैं तुझे कब का माफ कर चुका हूँ, लेकिन ये वाला मैटर तुम दोनों का पर्सनल है, मेरा बीच में पड़ने का कोई राइट नहीं है। नींद कैसे आती है तुझे रात को कमीने? मैं चाइना जा रहा हूँ, सप्लायर से मिल रहा हूँ, 0-स्टार होटल में ठहर रहा हूँ कि कंपनी का पैसा बचे, और पीछे से मेरा बेस्ट फ्रेंड। हाँ, शरप कबीर, मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। कुछ नहीं हुआ था। फाड़ में जा यार। ओके बाय यार कबीर। बैठ साले। अबे सुन लेना उसकी, निकालने देना उसे भड़ास, इतने टाइम बाद भरत मिलाप हुआ है। कोई मिलाप शिलाप नहीं होने वाला, 3 दिन में मेरी कंपनी, मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरी गर्लफ्रेंड तीनों छीन लिए इसने, 3 दिन में। राघव अगर मेरे पास कोई टाइम मशीन होते ना भाई, तो मैं अभी पास में जाके सब कुछ ठीक कर देता। एस होल, देख 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 देख, बस बातें आती बड़ी बड़ी इसे करनी, टाइम मशीन, और अगर मेरे पास टाइम मशीन होती ना भाई, तूने पी रखी है, देख मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जो तू वापस ना ले सके। याद है मैंने तेरे से एक बार पूछा था नताशा के साथ तू सीरियस है कि नहीं, तूने कहा था? मैंने क्या कहा था? जा शादी कर ले उससे, मतलब मैं जब भी चाइना जाता था, कितनी बार गया हूंगा कबीर, कितनी बार गया हूंगा मैं चाइना, 1.5 साल में 5-6 बार तो गया था, और पीछे से तुम दोनों। कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं होता था जब तू जाता था, पूरी टाइमलाइन का हिसाब है मेरे पास, बताऊं? उसको सुना, मुझे नहीं सुनना। कबीर देख, 2006 के एंड में राघव और नताशा मतलब स्टार्टेड डेटिंग, और तभी से तेरी नजर थी उस पे। यार छोड़ उसे, तू बोलता जा। 2007 में हमने हॉस्टल रूम में बैठकर कंपनी रजिस्टर की, 2008 में ग्रेजुएशन, 2 महीने बाद ये पहली बार चाइना गया धक्के खाने। उस टाइम पहली बार मेरी प्रॉपरली नताशा से बात हुई। विल यू मैरी मी? सबसे पहली बार उसका टेक्स्ट आया कि राघव वापस इंडिया कब आएगा। फिर ऐसे ही हमारी बीच बीच में बात होती रहती थी कि कंपनी कैसी चल रही है वगैरह वगैरह। फिर उसने मुझे बताया कि उसे रटगर्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। बुलशिट, तू इंडिया में उससे कभी मिला था अलग से? नहीं यार, बस एक बार साथ में मूवी देखी थी, लेकिन तू भी तो था ना साथ में, और उसकी 2 फ्रेंड्स और थी। मूवी रब ने बना दी जोड़ी। परफेक्ट। राइट राइट, राघव उसको डेट नहीं कह सकते, ग्रुप था। फिर 2009 के मिडिल में मुझे जॉब ऑफर आया। इससे पूछ इसने अप्लाई क्यों किया, इसको अपने पे भरोसा नहीं था या हमारे पे भरोसा नहीं था? बस लिटरली एक को ही अप्लाई किया था यार, टाइम पास, और उनका रिप्लाई आ गया। तुम दोनों बड़े शहर वाले हो ना, तू दिल्ली, कबीर तू बॉम्बे, तुम नहीं समझोगे कि मेरठ के एक मीडियोकर लड़के के लिए US जाना कितनी बड़ी बात होती है। मैंने घर पे बताया ना कि US का ऑफर आया है,
मेरी माँ ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दी। पूरा स्कूल, पूरा कॉलेज, कभी किसी चीज में मैंने कुछ अचीव नहीं किया। राघव की तरह नहीं, पढ़ाई में नंबर वन, म्यूजिक में नंबर वन, पार्टिसिपेशन ट्रॉफी के आगे कभी नहीं बढ़ा यार। जब वो ऑफर लेटर हाथ में आया ना, पहली बार मुझे लगा कि हाँ, कहीं से लाइफ में कुछ कुछ वैलिडेशन मिली है। अबे तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? मेरी खोपड़ी में भूसा भरा है। एक दिन तू बोला मैं यूएस जा रहा हूं, दो दिन बाद नताशा मुझसे बोली वी नीड टू ब्रेक अप, मैं यूएस जा रही हूं। सब तेरा प्लान था साले। भाई जितना बड़ा मास्टरमाइंड तू मुझे समझता है ना, उतना मैं हूं नहीं। ये जो तेरे दिमाग में कॉन्स्पिरेसी है ना कि मैंने सब प्लानिंग करी है उसे भगा के लेके जाने की। अच्छा एक सेकंड, तू न्यूयॉर्क में कहां जॉब कर रहा था? ब्रुकलिन। और उसका कॉलेज कहां था? न्यू जर्सी में, 1 घंटे की ड्राइव। मैं किसी को नहीं जानता था यार वहां जब मैं गया था। बूहूहू। मंडे टू फ्राइडे जॉब, वीकेंड पर इतना अकेला फील करता था, कभी कभी ड्राइव करके चला जाता था उससे मिलने, वो भी अकेला फील करती थी कॉलेज में। इसीलिए तुमने शादी कर ली? अबे यार शादी तो इसने इंडिया आके की थी 2011 में। पता है दोनों तरफ से कार्ड आए थे मुझे। तो राघव संदीप की पोजीशन ये है कि इंडिया में कुछ नहीं हुआ, कोइंसिडेंस है कि दोनों साथ में यूएस गए, वहां फ्रेंडशिप हुई और धीरे धीरे बढ़ी, राइट? राइट, लेकिन ये बिलीव थोड़ी ना करेगा। एनीवे, अब तो वो सब मैटर भी नहीं करता। मतलब? कुछ नहीं। फूट ना। आई थिंक शी इज चीटिंग ऑन मी। क्या मतलब? उसका बॉस है जो ऑस्ट्रेलियन, आई थिंक बहुत टाइम स्पेंड करती है उसके साथ। मैंने राघव तुझसे बोला था ना, नताशा अपग्रेड मारती है, तुझसे अपग्रेड करके सैंडी, क्योंकि उसको लगा सैंडी का यूएस में करियर होगा, बेटर प्रोवाइड कर सकेगा उसके लिए। थैंक्स बडी। अबे मतलब देख, अब सैंडी से अपग्रेड करके ये ऑस्ट्रेलियन, उसकी नीयत ही ऐसी है। सबसे बुरा तो मुझे ट्विंस के लिए लगता है, अगर हमारा डिवोर्स हुआ तो उन बेचारों को पता नहीं क्या होगा। कितने बड़े हो गए? 1 4 साल का और दूसरा भी 4 साल का है। ये लड़का कहाँ रह गया? देख के आता हूं। मैरिज काउंसलिंग वगैरह ट्राई कर लो, डिवोर्स के बारे में अभी मत सोच। एक बात बता, मेरे जाने के बाद तुम दोनों ने कंपनी कंटिन्यू क्यों नहीं की? ऐसे थोड़ी होता है, हम तीनों के अपने रोल्स थे कंपनी में। कबीर ऑपरेशन संभालता था, मैं रिसर्च करता था, डेटा कलेक्ट करता था, और तू फ्रंटमैन था, तू मीटिंग्स करता था और सॉक्स बांटता था। तो एक भी बंदा छोड़े तो बैलेंस खराब, दो पहियों पे ऑटो थोड़ी चलता है। मुझे याद है मैं मद्रास गया था एक बंदे को प्रेजेंटेशन देने, रेड्डी था कोई बड़ा आदमी, पेपर में आया था कि उसका ग्रुप सोलर पावर में एंटर करने की सोच रहा है। कबीर ने उसके पीछे पढ़ पढ़ के मीटिंग फिक्स करी थी। मैंने उसे बताया कि हमारे पास चाइना के 25 सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट है, जिसे लेना है हम दिलवाएंगे, ये वाला सस्ता है, ये वाला महंगा है, ये वाला इतना मिनिमम ऑर्डर लेगा, मतलब वो जो सवाल पूछे मेरे पास उसका जवाब था। बड़ा इम्प्रेस हुआ था वो, सारा तेरा कमाल था। अबे नहीं, लोग तेरी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो जाते हैं। क्या यार, 2 क्लाइंट लेके कंपनी बंद कर दी। अगर आज तक बिजनेस में होते ना तो 200 क्लाइंट्स होते। लेकिन मैं कमीना हूं ना। वो तो तू है ही। वैसे काम शाम ठीक चल रहा है तेरा? हाँ, पिछले साल जर्जी में घर खरीदा है, बच्चों के खर्चे, घर के खर्चे, घर का लोन, वेरी टफ यार। उसी कंपनी में है अभी भी? हाँ, ब्रुकलिन वाली, 1 से 1.5 घंटा लगता है वन साइड ट्रैवल। होली शिट। हाँ, 2-3 घंटे रोज ट्रैवल में निकल जाते हैं, वीकेंड पे बस मन करता है सोता रहूं। बच्चे कहते रहते हैं डैडी लेट्स प्ले, मैं कहता हूँ सोने दो यार। अबे तो पास में लेता ना घर। बहुत महंगा है यार सब, बहुत महंगा है। तेरा या कबीर का नहीं बना प्लान शादी करने का? मेरा तो अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, कभी लड़कियां देख रहा है आजकल। मैंने कहा उसे रुक जा, पहले मैं एक लड़की पटाता हूँ, घुमाता फिराता हूँ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूँ, फिर 2 साल बाद ना तुझसे शादी कर लियो। अबे यार, पेपर नैपकिन खत्म, ये लो। नेहरू हॉल में अंदर मेमेंटो बांट रहे थे, तुम्हारे लिए भी ले आया। क्लास ऑफ 2008।
क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों? तेरी बुराइयां कर रहे थे। पूरी रात निकल जाएगी इसमें तो। अबे सैंडी, बाल उड़ गए तेरे सारे बीच में से। बच्चों ने नोच लिए क्या? हाँ थोड़ा उन्होंने, थोड़ा मैंने खींच मारे। याद है राघव, क्या ऑब्सेशन होता था इसको अपने बालों से। साले मेरे तो उड़े ही हैं, तेरे तो वाइट हो रखे हैं सारे। अबे मैं तो कलर कर लूंगा, तू क्या करेगा? 30 के बाद ये सब चलता है। हम दोनों का अब 31 आएगा और राघव अभी 30 का भी नहीं हुआ। इसकी भी हेयरलाइन पीछे जा रही है। कौन सा ग्रेड स्किप किया था तूने? थर्ड। मतलब सेकंड के बाद सीधे फोर्थ के एग्जाम दिए थे? यार सेकंड में मेरे 100% मार्क्स आए थे तो मुझे एक ग्रेड स्किप करा दिया था। चाइल्ड प्रोडिजी। अबे चल, फोर्थ मुश्किल से पास करी थी मैंने, 65% आए थे बस। मेरे तो थर्ड करके फोर्थ में इतने आए थे। डर लग रहा है तुझे? 30 का हो जाएगा 2 महीने में। सैंडी तुझे लग रहा था? डर तो नहीं, थोड़ा अजीब लग रहा था। 20 का जो एडवेंचर होता है ना, मतलब 20 तक तो बंदे को कुछ समझ नहीं होती, फिर 20 के बाद लगता है नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई कैन डू एनीथिंग। उसके बाद 30 के अराउंड बंदा जो उड़ रहा होता है ना, जमीन पे आ जाता है। जो दिमाग में होता है ना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर रियलिस्टिक होना पड़ता है। कबीर मैं हूँ, ज्ञान तू बांट रहा है। चल यार कबीर चले। अबे रुक ना यार, प्रैक्टिस करनी है सुबह उठ के। तू निकल, मैं सैंडी के साथ आ जाऊंगा, इसने बस एक ही तो बियर पी है। कैब मंगा दूं तेरे लिए? कैब में आए हो तुम लोग, मैं छोड़ दूं? अबे नहीं नहीं, तू कबीर को ले जाइयो बाद में, मैं चलता हूँ। मंगा यार कैब। अच्छा रुक, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ यूएस से। मेरे लिए? कबीर यार नहीं नहीं नहीं, बैठ मत, पहले एक काम कर दे भाई। इधर मेरी लाल टोयोटा खड़ी है, उसमें पिछली सीट पे राघव का गिफ्ट पड़ा है, ले आ यार। अबे क्या ले आया, तुझे पता था मैं यहाँ आ रहा हूँ? अगर तू मुझे यहाँ नहीं मिलता तो मैं कबीर को दे देता तुझे देने के लिए। अबे गिटार, गिब्सन, तू पागल है? हैप्पी 30th इन एडवांस ब्रदर। अबे यार महंगा होगा। नहीं नहीं, सेल में लिया है। ओ यार कुछ बोल मत, बस रख ले। टैक्सी आ गई। थैंक्स यार। नो प्रॉब्लम बड़ी। बाय यार रघु, कल मिलते हैं। अच्छा हुआ है कल मिलते हैं बोला, 25वीं रीयूनियन पे मिलते हैं ये नहीं बोला। बाय यार। बाय, सी यू सून। सेल में नहीं मिला ना? नहीं यार, ये गिटार इसके लैपटॉप का वॉलपेपर होता था, 2 महीने ढूंढा तब जाके मिला। कितने का है यार गिफ्ट को? पैसों से ओ 4 का। $4,000? अबे इतने के तो इंडिया में बढ़िया सेकंड हैंड गाड़ी आ जाती है। उसके फेस पे खुशी देखी थी तूने? उसे पता लगेगा ना कि इतना महंगा है? नहीं लगेगा, क्योंकि तू नहीं बताएगा। कितने सीक्रेट छुपाऊंगा मैं तेरे? अबे मैं तुझसे बात कर रहा हूं और तू फोन पे लगा है। एक सेकंड यार, कल की दिल्ली वाली टिकट कैंसिल कर दूं? कल हम जा रहे हैं ना इसकी परफॉर्मेंस देखने। हाँ हाँ, तो कल 4 बजे की फ्लाइट थी ना मेरी, कैंसिल तो कर दूं? ये नताशा का अफेयर, ऑस्ट्रेलियन बॉस, सब बकवास था ना? साले तेरी शक्ल देखकर मुझे पता लग जाता है तू कब झूठ बोल रहा है। जॉब भी करती है वो? हाँ प्राइमरी स्कूल में टीचर है। और तुम्हारे बीच में सब ओके? हाँ हाँ, तू समझा नहीं, अगर राघव को शांति मिलती है ये सुन के कि हमारे बीच में प्रॉब्लम चल रही है तो इसमें गलत क्या है? गलत है क्योंकि झूठ है भाई। अगर एक झूठ किसी को खुशी देता है तो वो झूठ ना बोलना गलत है। गोवा में ही रह रही है? हाँ, वहाँ इसको छोटी मोटी गिग्स मिलती रहती हैं। कभी किसी रेस्टोरेंट में परफॉर्म कर लेता है, कभी किसी ग्रुप के साथ। आजकल सोशल मीडिया पर इसकी अच्छी रीच हो गई है तो पेड गिग्स भी मिलने लग गई हैं, जैसे कल वाली पेड है। अबे क्या है? नहीं नहीं कुछ नहीं। अबे तेरे थोबड़े पे लिखा है, कुछ तो है। यार देख, अब जज मत करियो मुझे, राघव टैलेंटेड है लेकिन एक्सपोजर ऐसे नहीं मिलता। मैंने महीने का बजट रखा हुआ है,
उसके YouTube वगैरह प्रमोट करने के लिए। क्या ऐसे सब्सक्राइबर्स थोड़ी बढ़ते हैं इतनी जल्दी यार? वो तो इतना प्राउड फील करता है उसके सब्सक्राइबर्स। तो उसी के तो हैं, उसी की सिंगिंग तो अप्रिशिएट करते हैं लोग। मैं तो बस पुश कर रहा हूँ लोगों को कि भैया ये बंदा टैलेंटेड है, इसको फॉलो करो। यार तू क्या कर रहा है, प्रमोशन, गिटार, पैसों से दोस्ती खरीदेगा? यार बता पैसा क्या है, मैं US में बैठा हूँ, उसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास और क्या है? अगर इंडिया में होता तो उसे अपना टाइम दे देता, रीजन समझना। और तू चाहता है इतने बड़े बड़े झूठ मैं उससे छुपाऊं? यार अनोनिमस डोनेशन भी तो लोग करते हैं ना, मंदिरों में, चर्चेज में। अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है, अगर उसका सच्चा दोस्त है, तू दोस्ती के लिए कर रहा है ये सब, या जो तेरे अंदर इतनी गिल्ट है उसके लिए? हाँ ठीक है, गिल्ट है, है गिल्ट। फिर कब तक घुलता रहूंगा भाई इस गिल्ट में? मेरे बच्चों की उम्र है नए दोस्त बनाने की, मैं नहीं बना सकता यार इस एज में नए दोस्त। पुराने हाथ से निकल जाए ना एक बार तो फिर। राघव बड़ी आसानी से दोस्त बना लेता है यार, मुझसे नहीं होता। लेकिन तुझे पता है 9th grade में, मतलब मेरठ में, मेरा स्कूल बस 8 तक का था। 9th के लिए मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ अपने मामे के घर। नए स्कूल में ट्रांसफ़र लिया, नया स्कूल, नया शहर, बड़ा शहर। स्कूल के पहले कुछ दिन तक तो मैं अकेला ही रहता था। फिर एक लंच ब्रेक पर राघव आया मेरे पास, बोला सही है तुम अकेले अकेले खाते हो, बचे रहते हो, मेरा लंच तो सारे दोस्त खा जाते हैं। पहला बंदा था जिसने 3-4 हफ्ते में मुझसे कुछ बोला था। बहुत हेल्प करी थी उसने मुझे एडजस्ट करने में, पढ़ा भी देता था। फिर जब कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे थे तो उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरे साथ बॉम्बे चल पड़, तो उसने बेटर कॉलेज छोड़ा मेरे लिए। दोस्ती का टैक्स है यार, और कुछ नहीं है खर्चा। अगर वो मेरी लाइफ में बना रहे, महीने में उसे एक बार बस फ़ोन करके हालचाल पूछ लूँ, दिल की बात कर लूँ, तो वर्थ है ये सब। अब वो नॉर्मल जॉब तो करने नहीं वाला। उसने ट्राई किया था एक दो बार, लेकिन तुझे पता तो है वो किसी से ऑर्डर नहीं ले सकता। एक कंपनी ज्वाइन करी थी उसने यहीं बॉम्बे में, बॉस से एक दिन डांट पड़ी तो उसने वापस सुना दिया। इतना इंटेलिजेंट बंदा, क्लास टॉपर, लेकिन सारी नॉलेज वेस्ट। किसी अच्छी कंपनी में काफ़ी ऊंची पोजीशन पा सकता था। नहीं है ना यार उसका इंटरेस्ट उसमें, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी उन चीज़ों में, पैसा उसकी मोटिवेशन नहीं है लाइफ में। नताशा तो थी यार, मैं तुझे ऑनेस्टली बताऊं, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं थी इसकी और नताशा की। याद है कैसे लड़ते थे कुत्ते बिल्ली की तरह? अपनी बीवी को बिल्ली बोल रहा है? नहीं नहीं, मैं तो राघव को कुत्ता कह रहा हूँ। ब्रेकअप के बाद ना बंदा सिर्फ अच्छी बातें याद करता है। बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था यार, मुझे याद है। जो सब हुआ वो ना भी होता तब भी कोई फ्यूचर नहीं था उसके साथ। लेकिन अगर उसने किसी और से शादी करी होती तो राघव को इतना बड़ा झटका नहीं लगता। आई नो। तुम्हारी आपस में राघव को लेकर बात होती है कभी कभी? उसको भी गिल्ट फील होता होगा। उसी का तो आइडिया था गिटार का। उसका गिल्ट आई थिंक थोड़ा अलग है। उसको लगता है कि उसकी वजह से दो बेस्ट फ्रेंड्स ने एक दूसरे से बात नहीं करी 8-9 सालों से। गाना सुना उसने राघव का, यू ब्रोक माय हार्ट, टो माय वर्ल्ड अपार्ट, ओ नताशा। मतलब थोड़ा सटल तो हो सकता था ना कम से कम। देख कुछ तो एक्साइटिंग है ना अपनी लाइफ में राघव के थ्रू। वैसे एक बात बताऊं, मेरा सेल्फिश मोटिवेशन भी है एक। जब वो फेमस होगा ना तब मैं बोल सकूंगा दूसरे को कि ये जो मैगजीन में प्रोफाइल है ये ना इस सिंगर की, ये मेरे बचपन का दोस्त है। तुझे सीरियसली लगता है कि वो एक दिन टॉप पे पहुंचेगा? तुझे क्या लगता है, टेलर स्विफ्ट इतनी बड़ी सिंगर होती अगर उसका बाप इतना अमीर और पावरफुल नहीं होता? सब पुश की बात होती है यार, और मैं जहां तक हो सके उसे पुश करूंगा, और तू उसे इस बात का एक शब्द भी नहीं कहेगा। अच्छा ठीक है भाई। वैसे एक बात बताऊं, राघव गोवा में रहता है, पार्टी टाउन, जब मर्जी बीच पे जाओ, ना कोई बॉस, ना कोई 9 to 5 की झिकझिक हमारी तरह, जब मर्जी जागो, जब मर्जी सो जाओ, ना बीवी बच्चों की टेंशन। कभी कभी मुझे जलसी फील होती है यार उसकी लाइफ से। तुझे होती है? क्या बता ना। क्या बताऊं यार। अरे ऐसा क्या हो गया, क्या बोल दिया मैंने ऐसा? क्या हो गया? रियूनियन, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय प्रतीक अरोड़ा।
विद हर्ष वोहरा एज राघव, पुनीत मलिक एज कबीर एंड रजत मल्होत्रा एज संदीप. एडिटिंग एंड साउंड डिजाइन बाय प्रतीक अरोड़ा. एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर प्रतीक अरोड़ा. एसोसिएट प्रोड्यूसर चरणजीत सिंह मलिक. टाइनी टेल्स क्रिएटेड बाय प्रतीक अरोड़ा.